कि बाबा कहता है कि बच्चे दिल में कोई भी बात हो, दर्द हो, दुख हो, किसी को नहीं सुना, तो किधर तो सुनाना पड़ेगा ना, तो कहाँ सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे, बाबा को कहाँ सुनाएं। दो जगह है, एक है बाबा के कमरे में बैठो, और बाबा कौन, बाप और दादा दोनों हैं। पहले 5 मिनट आत्मिक स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि आत्मा का आवाज ही परमात्मा तक पहुंचता है, ये अच्छी तरह से याद रखना। शरीर समझकर, और कितने भी आप बात करते हो, रुझान करते हो, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने करते हो, है ना, तो यहाँ चैतन्य बाबा वहां है ना, तो वहां बैठ के सुनता है। तो कल सुना था, देखो कोई भी देवी देवता गए, धर्म गुरु है, कोई भी वापस नहीं आए, है ना, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार भगवान ब्रह्मा बाबा द्वारा आए। तब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कहाँ गए, उनका टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, हाँ, बाबा ने कहा ये कमरा छोड़ के मैं यहाँ आई। ऐसे कोई भी नहीं आया, श्री कृष्ण गया, हनुमान गए, श्री राम गया, देवी गई, बहुत लोग शरीर छोड़ के गए, गुरु नानक देव जी गए, है ना, बुद्ध गए, कितने धर्म गुरु गए, वो कहाँ गए। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद कर्मातीत होने के बाद गुलजार दादी के तन में बाप और दादा दोनों आकर के 50 सालों से ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा गया तो गया, बंद हो गया, नहीं, श्री कृष्ण गया, गीता दोबारा किसने सुनाई, श्री राम गया दोबारा आया नहीं, कोई भी देवी देवता धर्म गुरु कोई भी गया, कहां गए। तो कोई भी कर्मातीत नहीं बने, जब तक कर्मातीत नहीं बने अर्थात विकर्म पूरी विनाश नहीं किया, तो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां अब बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी के द्वारा 50 साल हो गया आज अव्यक्त पार चला करके, तो बाप दादा विश्व बाबा गुलजार ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के द्वारा हर साल आके ज्ञान सुनाते हैं। आप पूछेंगे, कभी आपके मन में विचार आएगा, भाई जी कैसे कहते हो बाबा आया, और कोई आता होगा, है ना, प्रूफ चाहिए ना कभी, हाँ उसका भी आपको प्रूफ आएगा। देखो साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो अंडरग्राउंड पेट्रोल की टाकी लगे थे, पेट्रोल लगते ना गाड़ी को जाने के लिए, वो किसी को पता नहीं है जिसने बाबा अपने शरीर छोड़ के गए, लेकिन वो बहुत साल हो गया अंदर ही अंदर लीक हो रहा था। बाबा ने संदेश भेजा, बच्ची देखो ताकि लीक हो रही है, हम तो पेट्रोल किसी को दिखाई नहीं देता, जमीन के अंदर है, तो ये किसने बताया, जिसने डाला था, है ना, बाबा ने डाली थी, बाबा साकार में था, तो प्रूफ चाहिए, कौन आता है, कोई कहता और कोई आता होगा, हर चीज की प्रूफ। तो कैसे आज तक भी आकर के 50 साल पहले जो ज्ञान सुना था वो आज भी सुनाता है, तो वही आत्मा है। तब बाबा ने कहा बच्चों की मैं अंत तक सेवा करूंगा, अंत तक बच्चों के पास कहां है, तो यह सूक्ष्म दिन में है। तभी संदेश भी जाके भोग लगाते हैं, संदेश भी क्या है, आज भी मधुबन में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाबा को पूछ के करते हैं। देखो 2 साल पहले हार्ट वालों को हॉस्पिटल बना रहे थे, सबने कहा हॉस्पिटल बनना चाहिए, सब तैयारी हो गई, बाबा को पूछा, बाबा ने कहा ठहरो, अभी नहीं, अभी तक नहीं बना, हर काल तब कहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहां कोई मनुष्य गुरु कोई नहीं है, सब बाबा के हम बच्चे, निमित्त बच्चे। तो आज भी सब कुछ डायरेक्शन, क्या करना क्या नहीं करना कैसा करना, सब कुछ ईश्वर के डायरेक्शन के अनुसार चलता है, हर बात बाबा से पूछ करके। देखो जानकी दादी भी लंदन भी कहीं जाती है, मैसेज देते हैं, पूछते हैं गुलजार दादी को, संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, पूछ के बताओ,
बाबा को पूछ के हर कार्य करते हैं, तब इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तब बाबा ने कहा अगर बाबा को पूछ के कुछ भी करते हो तो बाप जिम्मेदार है, अगर बाबा को पूछे आपने कुछ किया तो आप जिम्मेदार हो। तो इसके लिए जीवन में कोई समस्या कोई कुछ बात आती है तो किसको पूछे, कौन मिलता है नहीं, किसको पूछे, दुविधा है। ये करो कि ये करो, मुरली में भी बाबा कभी कुछ कहता बच्चे ये करो, कल कहता ऐसा करो, है ना, तो क्या करे क्या नहीं करे। तो इसके लिए कभी भी मूंछना नहीं, है ना, दुविधा में नहीं आना, सीधा मुरली क्लास सुनने, मुरली सुनने के बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती तो सीधा इधर से जाओ बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आपने कहा मैं टीचर हूं, बाप भी हूं, सदगुरु भी है, बाबा आज आपने मुरली में ये कहा इसका अर्थ क्या है, ये हम अपने जीवन में कैसे लाए, पूछना। अगर आप पूछ करके क्या करो, बात करते नहीं रहना, प्रश्न पूछने के बाद एक से कर दृष्टि देते चुप बैठना, जितना आपका मन शांत है कुछ विचार नहीं करते, आंखों से बाबा को देखते रहते हो, आपको विचार आएगा बच्चे इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करो, नहीं इनको पूछो, किसी का चित्र दिखाई देगा इनको पूछो ये आपको जवाब देंगे। तब का हर चीज बाबा को पूछना, अगर आज कुछ जवाब नहीं मिला ठहरो, कल फिर कहा कहना बाबा आपने कहा था हर बात मुझे पूछ के करो, आपको कल बताया था आपने जवाब ही नहीं दिया, दोबारा पूछो, तीसरी दफा पूछो, दो तीन दिन के अंदर मुरली के अंदर जवाब आएगा, जिसकी बुद्धि की लाइन बुद्धिमान बुद्धि स्वच्छ है तुरंत टचिंग होता है, कभी किसी किसी को समझ में नहीं आता है क्योंकि बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, बाबा जवाब देता है, नहीं समझ में आया कल मुरली में आएगा, नहीं तो परसों कोई ना कोई आपको जवाब किसी के द्वारा बाबा समझाएगा, वो बाबा की जिम्मेवारी है। एक बार बाबा को बताया वो आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी द्वारा समझाएगा, तो बाबा को बताओ, कभी भी कोई भी चीज है बाबा के